Hey, what are Happy birthday to you. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, आज व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम था. एंड नॉट ओनली दैट, आज एक स्पेशल डे है. एंड वो स्पेशल डे क्या है वो मैं अभी बताने वाली हूँ. वो ऐसा है कि किसी का आज बर्थडे है जो अभी खरे खरे बाल अपना ठीक कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि अभी उनको मैं फ्रेम में लेने वाली हूँ. और एक बरस बढ़ गया और ये सब ये कर रहे हैं. ये सब चिंपू आई है, माँ आई है. अनफॉर्चुनेटली श्री जॉयदा नहीं आ पाए, उनके बड़े पापा जो हैं वो गुजर चुके हैं तो इसलिए वो नहीं आ पाए. एंड बूनी एंड रितम तो अभी यहाँ पे है नहीं, वो लोग तो बेंगलोर शिफ्ट कर चुके हैं. एंड बाकी सारे लोगों जिन लोगों को हमने इनवाइट किया उन लोगों का भी कुछ ना कुछ आज थोड़ा अजीब हो गया ना, थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरा दोस्त है शामराट उनकी माँ आज गिर गई सुबह. तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ने पहले वो जो सिचुएशन है उसको संभाल लेना चाहिए. और बाबा का, मेरे बाबा का तबीयत सही नहीं है, सही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ही कुछ खास हो रहा है आज. तो इसलिए हम अभी पांच मिलके यहाँ पे दोपहर का खाना दोपहर के खाने के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे. ऑलरेडी पायेश कॉलर बोर्डा अभी खेनिए छी. कॉलर बोर्डा टा होच्छे हमारे रिचुअल, ये रिचुअल है. ये बनाना पकौड़ा जिसे कहते हैं वो हमारा घर का रिचुअल है. और पायेश बहुत अच्छा हुआ है. और मिसेस अदिति मुखर्जी उन्होंने बहुत सारा कुछ बनाया. माँ ने मुझे कोई प्रेशर लेने ही नहीं दिया. माँ ने बोला प्रॉन फिश चिकन पनीर दाल पकोड़ा वो बहुत सारा कुछ उन्होंने बनाया. और वो पूर्वाशा से टपक गए यहाँ पर. तो अभी फिलहाल हम लोग लंच करेंगे. बहुत देर हो चुकी है बट फिर भी लंच करेंगे. एंड लंच में क्या क्या है आज वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे. उससे पहले और एक बात भी बोलना ज़रूर चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बस सुबह को ही अभी जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो है. कल रात को भी वर्चुअल सेलिब्रेशन हुआ था. थैंक यू लेकिन आज जो सेलिब्रेशन जो आज होगा उसमें कोई भी नहीं रहेगा. चिंपू है, माँ भी बोल रही है कि शाम के वक्त माँ चली जाएंगी, रात तक नहीं रहेंगे क्योंकि बाबा का तो तबीयत सही नहीं है. तो एनीवेज इस साल थोड़ा ऐसा जा रहा है बट फिर भी हम ट्राई करेंगे हम ट्राई करेंगे कि ये जो सेलिब्रेशन है सबका सिचुएशन सही होने के बाद हम सब मिलके कल दो केक मैंने कट चुका. अब सोचिए थोड़ा सा कट कर चुका दो और आज मैंने देखा कि मेरा जो बहन है वो आसनसोल से आया घर में और उन्होंने कहा मुझे कुछ काम है मुझे निकलना है. हमेशा चिंपू जब आती है तो बोल तो सबको पता है कि चिंपू है. वो फिर घर से निकल गया यहाँ आने के बाद. ये 6 आवर्स जर्नी है, 7 आवर्स परहैप्स आसनसोल से कोलकाता. और फिर निकल गया वो टी शर्ट शर्ट वो वगैरह सब खरीद के ले आया. नहीं, ठीक है, ठीक है. और मैंने देख लिया वो फ्लोरिस्ट करके वो काटेंगे.
तो चलिए शेयर करते हैं मेन्यू में क्या है आज। ये सारी चीजें जो है ये सब इन्होंने इनके लिए बनी। अजी नमस्ते, प्रणाम, शष्टांग प्रणाम चाहिए। बर्थडे बॉय के लिए स्पेशल है, बर्थडे बॉय के लिए स्पेशल है, इसमें हम लोग भी थोड़ा बहुत हड़पने वाले हैं, है ना चिंपू? हम लोग तीनों मिलके ना, क्या तीनों मिलके क्या तीनों मिलके मुझे साथ साथ क्या हो गया, गाना भी चलना स्टार्ट कर दिया बैकग्राउंड में, मेरा फोन, अरे कुछ नहीं है तो मेरे दो बेटी तो है। हाँ दामाद के लिए लाई हूँ, मेरी बेटी लवलोक की नहीं खाएगा। ये क्या कह रहे हैं, एक कहावत है ना, क्या सूदित थे कि आशुल बेशी ना, आशुल थे कि सूद बेशी, असली से सूद ज्यादा होता है, तो ऐसा बंगाली में कहावत है, हिंदी में क्या पता नहीं, अमाउंट इंटरेस्ट बेशी है, हाँ इंटरेस्ट ज्यादा होता है अमाउंट से। तुम अगर नहीं होते तो बात तो हम किधर। अच्छा एक मिनट, अरे एक मिनट, वो मिरर से हमको दिखाई दे रहा है। ओ अच्छा, मतलब हम चारों मिलके एक साथ एक फ्रेम में मिरर से दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा नहीं, वो एक बैम्बू ट्री है वो मैं नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, दोपहर को थोड़ा लंच वंच करके फिर माँ मैं चिंपू और पार्थो बैठ के बहुत सारे गप्पे किए एंड फाइनली अभी टाइम है क्या करने का, केक कटिंग करने का जो चिंपू लेके आई है एंड की गो तुम तैयारी है छो? हां होची, चलो 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 चिंपू जाओ जाओ, रेडी हो। तब से बता रही हूँ कि रेडी हो जाओ। ये अरे मैं तो ही बुड्ढा हो गया। अरे आप बुड्ढा दीदी, ये चकरा बकरा वो जो देख रहे हैं वो शर्ट, ये रात्रि ने आज चकरा बकरा शर्ट और जीतू जी जैसे वाइट ट्राउजर नहीं है, जींस है, जींस जो पहनते थे वैसे, वो एज बढ़ रहा है और हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि यंग होने की। हाँ जीतू जी के तरह ऐसे। सो यस गाइज, कल तो वो केक कटिंग जो हुआ था रात को वो वर्चुअल हुआ था, 12 बजे, मतलब 12 बजे जो हुआ था एंड तो चलो। वैसे आपका ड्रेस तो आज, अरे थोड़ा सा हटाइए इसको। अच्छा अरे ये बॉय, ये क्या मेरा बर्थडे के लिए है? हाँ हट जाओ, जाके बैठ जाओ, मेरा हाथ तो ऐसे हो गया है। नहीं नहीं, मैं बहुत दिन से इसको पहनने के लिए सोच रही हूँ तो मुझे पहनने का मौका नहीं मिल रहा था, याद नहीं, शायद एक दिन पहने भी होंगे बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो फाइनली तो चिंपू दीदी हाजिर है रेडी होके। वाला केक चिंपू लाई है आज, तो ये अभी चिंपू के लिए कटिंग हो रहा है तो मैं इसको कल वर्चुअल था, अभी मैं इसको पूरा इसमें लगा लेती हूँ। टू यू हैप्पी बर्थडे, for all our subscribers. और हम तो खाएंगे, हम सब लोग खाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया मेरे अंकल का कि मेरा एक भैया
जो एज ऑफ 55 इयर्स हैज पास्ड अवे वेरी रिसेंटली, और मैं उनके साथ क्रिकेट फुटबॉल कैरम सब खेलता था एक साथ. हेलो, तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए. और भी एक न्यूज़ आया सुबह की, मेरा और एक अंकल जो मेरे बहुत करीब थे, गौतम काका, किडनी में कैंसर डिटेक्ट हुआ है. आज पायश हुआ था, रात्रि ने पायश बनाया था जैसे आपने देखा था. और मुझे याद आया कि उनकी गोद में, गौतम काका की गोद में हम बैठते थे और पायश खाते थे इतना बड़ा बाटी में. तो आई विश हिम वेरी स्पीडी रिकवरी. और इसलिए सेलिब्रेशन का उतना मन नहीं था, लेकिन रात्रि के लिए मुझे करना पड़ा. थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. आई विश गौतम काका फॉर स्पीडी रिकवरी, रियली तातरी शोरे उठो. दैट्स ऑल. रात्रि कैमरा पीछे नहीं. मैं तो हमेशा हूँ. और Yes guys, ये तो सब सच में, तो ये सब तो चलता ही रहेगा. मन भी उदास होगा. फिर भी मन उदास है, लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया, थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग सा हो गया, इसलिए कि थैंक्स टू चिंपू बिकॉज पकड़ो पकड़ के खुद नहीं, मेरे हाथ में केक है और फ्लोरिस का केक आज मुझे खाने के लिए मिला ड्यू टू चिंपू. बिकॉज कल जो मैंने केक काटा था वो मामा मियाँ का था, बहुत अच्छा था, बहुत ट्रेंडी था. अभी जो ट्रेंडी जो केक शॉप है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नाम्स और फ्लोरिस का कोई विकल्प नहीं है. सो एनीवेज गाइस, माँ का अभी निकलने का टाइम आ गया है एंड नीचे गाड़ी अभी वेट कर रहा है माँ के लिए. एंड किचन पूरा मेस होके रखा है, दादी के मैं अच्छे से धोड़े धुले भी. तो अभी थोड़ा सा माँ को रेडी करके नीचे लेके जाना है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, केक्स वगैरह थोड़ा भाई के लिए और बाबा के लिए भेज रहे हैं पायश केक्स. तो बस उसको थोड़ा पैक वगैरह करके दे देते हैं एंड थोड़ी देर बाद बात करते हैं. सो गाइज, आज तो फेब्रवरी कुछ अलग सा गया. जैसा हो सका हम लोगों ने ट्राई किया, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं किया, बट मतलब कोई है ही नहीं तो क्या किसके साथ हम सेलिब्रेट करें. मिस बहुत सबको बहुत मिस कर रहे हैं. तो ऊपर से बहुत एंजॉयमेंट होता है सब रहते, तो ऊपर से पार्थो का भी ये सुबह से मन उदास था. तो एनी वेज, होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग बहुत सारा इन्जॉय कर सकें एंड आप लोगों से शेयर कर सके, ऐसा व्लॉग बना सके जिसे आप लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो. सो एनी वेज, आज का ये व्लॉग हम यहीं पे खत्म करेंगे. नेक्स्ट मंथ में इसी व्लॉग में ही.